Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए थे उसे, खत्म कर देना चाहिए था उसे. चुप कर, जो हुआ सो हो गया. अब एक शब्द भी मुंह से मत निकालना. ढिंढोरा पीटोगी तो सबको पता चल जाएगा. भूल जा सब कुछ. कैसे भूल जाऊं? उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ चीटिंग की है उसने, इस्तेमाल किया मेरा. उस कुत्रे को कैसे भूल जाऊं मैं? उसकी सारी चीजें खत्म कर दूंगी, जला के राख कर दूंगी. जला के नहीं, मुझे धोखा दिया, कुछ जला के राख कर दूंगी मैं, खत्म कर दूंगी सब कुछ. सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं. माता मेरा बच्चा कहाँ है? माँ मैं नंगे पर महालक्ष्मी मंदिर जाऊंगी. माता सब बताएगी. माता को सब दिख रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है. माता सब बताएगी. हो गया इसका शुरू. माता, क्या कर रहे हो? क्या पागल बना? तुम बीच में मत बोलो, मेरे बच्चे से ज्यादा कीमती नहीं है पैसे. माता 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 तो सब दिखता है. कहाँ है मेरा बेटा? मेरा बेटा कहाँ है? माता वही लड़की है, उसी ने सारा सर्वनाश किया है. उसी ब्रश की है तेरे बेटे की. नलिनी ने सर्वनाश किया है तेरे बेटे का. मेरा बच्चा आ जाएगा मेरे पास. चला गया तेरा बेटा, लेकर भाग गई वो उसे. जितनी जल्दी हो सके ये सब बंद कर देना, और किसी को इसके कानों का खबर नहीं होनी चाहिए. तुम बीच में मत बोलो. माता आप उनकी बातों को ध्यान मत दो, मेरा बेटा आएगा ना. पूर्णिमा को आएगा तेरा बेटा. जय माँ. आधी रात को जब चांद पूरा होगा लौट आएगा. जय हो. बाबा खाना लगा दिया है. महेश बाबा, महेश बाबा क्या करता है? लागे ला, जब देखो तब क्रिकेट क्रिकेट. बाबा खाना यहां रख दिया है, खा लेना. आज तो सही भूख लगी है, चैन से खाऊंगा. रुपेश मेरी बात सुन. कुछ नहीं होगा. रुपेश बेटा, पहले मुझे ये बताओ कि रुपेश कहाँ है? तेरे साथ भागा था ना वो? मेरे साथ भागा था? वो तो मेरे पास आया ही नहीं. तू नहीं कहीं छुपाया ना? बता रुपेश कहाँ? बता. ए झूठ मत बोल. बोल तूने क्या किया मेरे रुपेश के साथ? मैं बोल. क्या किया? तेरी इतनी हिम्मत तूने मुझ पे हाथ उठाया? मुझ पे हाथ उठाया? सर छोड़ भैया. क्या करो? जाने लो उसे. अरे तुम्हें तुम्हें कर लूंगा कि जान लूंगा मैं. कौन यार जानती है मेरे को? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, समझे? तो अरे ये पागल लड़के. रुक. अरे भैया 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 छोड़ो, जाने दो. पागल है. दीदी
दीदी मुझे माफ कर दो, दीदी मुझे माफ कर दो, दीदी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माता है, माता ने मुझे रुपेश के बारे में सब बताया था दीदी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई, मेरी भक्ति में कमी रह गई दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो। बताई थी, बताई थी, बताई थी, बताई थी, बताई थी, बताई थी, माता शांत, माता गलती हो गई, माफ कर दो माता। रुपेश की हाथ में धड़प रही है, प्रसाद दो, कपड़ा दो। हाँ माता, जल्दी जल्दी। समझाओ तुझा बाई को ला। रुपेश की आत्मा तड़प रही है, रुपेश की आत्मा तड़प रही है। भाई साहब सुनिए तो। ए नाटक, जितना भी पैसा मिलेगा ना चुपचाप आधा दे देना। चलिए आता यही है, तड़प रही है, शांत माता की आत्मा तड़प रही है। छा दो माता शांत, रुपेश की आत्मा तड़प रही है, रुपेश की आत्मा तड़प रही है, रुपेश की आत्मा तड़प रही है, मुझे नजर आ रहा हूँ। महेश का कुछ करना पड़ेगा, साला अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। उसकी चिंता तुम मत करो मेरी जान, वो तो लूजर है। रुपेश चला गया, सुनील को बिजनेस का कुछ अता पता है नहीं, और गौरी वो तो दिमाग से वैसे ही पैदल है, बचा कौन, हम। आप बस इतना करिए कि सही वक्त पर सही इंफॉर्मेशन मुझे देते रहिए कि कब कौन कहां क्या कर रहा है। जज्बाती लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है। सब कुछ मूंद के न रख दिया तो कह। क्या बात है। रुपेश तो गया, तो मेरे साथ ही मैच खेलना पड़ेगा। बकवास मत कर, समझा? क्यों? हम मेरी बातें बकवास लगने लगी हैं? मैंने कहा चला जाना था तो जान से मार दूंगी, निकल ऐसे। मैच तो तेरे साथ ही खेलूंगा। रुपे से तुम जलते थे और गुस्से में आकर तुमने उसे मार डाला, सच है या नहीं? मैंने उसको नहीं मारा। उसने तेरी आंख फोड़ी थी, तेरा क्रिकेट करियर बर्बाद किया था। मैं आपसे कह रहा हूँ मैंने उसको नहीं मारा। तेरे बाप ने सारा बिजनेस उसके हाथ में दिया था, सारा पैसा उसके हाथ में था, भिखारी की तरह तुझे पैसे मांगे। भिखारियों की तरह पैसे मांगता था मैं उससे, भिखारी बना दिया था उसने मुझको। कभी समझने की कोशिश नहीं की उसने मुझे, हर बार ये जताता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब से बाबा ने उसके नाम पे वो बिजनेस किया था, मुझे मुझे नीचे दिखाने लगा था। वो भाई नहीं था, वो दुश्मन था, दुश्मन। कभी किसी बात पे मेरा साथ नहीं दिया, पर मरा होगा ना उसी लड़की के चक्कर में। वो लड़की तो तेरी गर्लफ्रेंड थी ना? क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्यों, तेरा उस लड़की का अफेयर नहीं था? था, मेरा अफेयर था उससे, लेकिन उसने भी वही किया। मेरी आंख फूटने के बाद जाकर सो गई वो उस रुपेश के साथ। सर, सनी के नाम पे जो 8 नंबर्स मिले हैं उन सभी के कॉल रिकॉर्ड्स, इनमें से जो लेटेस्ट नंबर है उससे आखिरी कॉल रुपेश को किया गया है, वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन वो गायब हुआ। सर एक सरप्राइजिंग बात और है, इन सभी नंबरों से एक नंबर पे लगातार बातचीत हुई है। किसका नंबर है?
दफ्तर इधर। यह तो ताला लगा हुआ है। अरे सुनो, ये ताला कब से लगा है? पता नहीं सर। मोरे, दरवाजा तोड़ दो। सर। घर की तलाशी लो अच्छे से। सर। बिना सिर की बॉडी, बॉडी रुपेश की हो सकती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और कंफर्म करो ये बॉडी रुपेश की है या नहीं। मोरे, अगर ये बॉडी रुपेश की है तो कुछ कुछ बातें मुझे क्लियर हो रही है। सर एक मिनट। हेलो, क्या? ठीक है, तुम उसे उलझाए रखो, हम अभी आते हैं। सर, ज्वेलरी शॉप से फोन था, कोई ज्वेलरी बेचने आए। अरे मैम, मैं कह रहा हूँ ना, दो मिनट तो रुकिए ना, टंच का रिपोर्ट आने दीजिए ना। और कितनी देर लगने वाली है? थोड़ी देर बस, आने वाली टंच की रिपोर्ट। चोरी का सोना बेचने की असली जगह मैं बताता हूं आपको, ले चलो इसे। हमें अंदाजा नहीं था इस चेहरे के पीछे एक दूसरा रूप भी छुपा हुआ है। क्यों किया ये सब? मैं सावंत परिवार के घर में आके रहने लगी, इतनी माला काम था दिलो साहब, पर मैंने कभी इज्जत नहीं की, हर बात पे धुतकारते मुझे। ये रख और जा, रख। तंग आ गई थी मैं जिंदगी से, फिर एक दिन रुपेश का दोस्त सनी मुझे मिला, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, धीरे धीरे दूरियां भी नजदीकियां बन गई। दोनों ही हालात के मारे थे सर, पैसे पैसे होते हमारा अपनी जिंदगी जीने के लिए। सनी रुपेश का जिगरी दोस्त था, उसे पता चला कि रुपेश नलिनी के साथ भाग के शादी करने वाला है और उसने बैंक से सारे पैसे और घर से सारे जेवरात ले लिए। बस फिर क्या, हमने भी प्लान बनाया। सनी ने रुपेश को फोन किया आनंदी जाने के बहाने। अरे यार रुपेश, कुड़ा होता तू, चल चल लौकर, चल यार, चल भाई जल्दी, चल चल लौकर। कहाँ जा रहे हैं? कार्बोरेटर का नाटक होगा यार, देख देख जल्दी, देख निकला जल्दी करना। हाँ हाँ, अब तो थाम जरा। अब इसका क्या करना है? इसका क्या करना है वो मुझे मालूम है। ऐसा कुछ करना है कि शक पूरा महेश पे जाए। पर कैसे? हमारा इरादा रुपेश को मारने का नहीं था, रुपेश ने हमें पहचान लिया था और घबरा गया, इसलिए हमने उसे मार दिया और उसके लाश को फेंकवा दिया। रुपेश के मरने के बाद हम अपने बचने की तरकीब सोचने लगे। सर, मुझे महेश को फंसाना था, इसलिए मैंने रुपेश की आंखें फोड़ दी और सनी से कहकर सर पुलिस स्टेशन में फेंकवा दिया था, ताकि महेश पकड़ा जाए और मेरा बदला पूरा हो जाए। वैसे भी महेश से मेरे बेइज्जती का मुझे बदला तो लेना ही था। सनी को क्यों मारा? सर, सनी उस हादसे के बाद बहुत डर गया था और जब वो आप लोगों से मिलके गया तब वो मुझे आके धमकाने लगा था।
देखा, मैंने बोला था तेरे को, लेकिन तू मेरी बात सुनती नहीं है। देख पुलिस अपने पीछे पड़ी है, सुन रहे तू? बाहर की खाल खींच रही है पुलिस। देख भैया, अपना बचना मुश्किल है, फांसी में जाएगा, फांसी में। वो कुछ नहीं, अपन अपन सरेंडर कर देते। हाँ, पहले पहले मैं सरेंडर कर देता हूँ, ठीक है? सुन रहे तू? क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? खुद को संभालो, हम सरेंडर कर देंगे पुलिस के पास, ठीक है? शांत हो जा। गहने बेचकर कहीं दूर जाना चाहती थी। जो लोग स्वार्थ और लालच में आकर ऐसा घिनौना काम करते हैं ना, उनके कर्मों की सजा उन्हें मिलती जरूर है। इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती इस दुनिया में कोई चीज नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग लालच के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उनके लिए जिंदगी की कीमत ही खत्म हो जाती है। हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छी जिंदगी बिताए, उसे किसी चीज की कोई कमी ना हो, लेकिन अपने मन और अपनी इच्छाओं पर काबू रखना इतना भी मुश्किल नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी ने हमें जो नहीं दिया है वो हम किसी और की जिंदगी से छीन लें। सपने जरूर देखने चाहिए, लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है। इस दुनिया में हर किसी को चीजें प्लेट में सच कर नहीं मिलती, उन्हें अपनी जद्दोजहद से हासिल करना पड़ता है। बेहतर जिंदगी जीने का हक सबको है, लेकिन उसकी कीमत किसी की जान या कोई गुनाह हरगिज नहीं हो सकता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।